हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? मॉमीज, आज हम एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड लेकर आए हैं आपके लिए, और ये है गर्मी से जुड़ा, क्योंकि अभी सीजन गर्मी का चल रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए एक ऐसा एपिसोड लाया जाए जो आपसे काफ़ी रिलेट करता हो। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताऊँ, मेरे को अपनी प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग ये वाला सीजन, गर्मी वाला सीजन, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। चलिए आज बात करते हैं गर्मी में अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने से आप गुजर रही हैं, तो इसमें आपको अपना ध्यान कैसे रखना है। अगर मान लीजिए आपको इस टाइम पे गर्मी ज्यादा लगती है, तो ये बहुत आम बात है। इसमें ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट है, आपको गर्मी ज्यादा लग रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं और आपकी बॉडी को ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन करना पड़ रहा है। साथ ही बात ये भी है कि अगर आपको गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है, इससे आपके दाने हो गए हैं, प्लस आपका बहुत ज़्यादा रेडिश पना हो गया है आपकी बॉडी पे, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताएं, अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन डॉक्टर को रेफर करते हैं, तो तुरंत आप स्किन डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन अगर आमतौर पे गर्मी लग रही है और स्वेटिंग हो रही है, तो ये बहुत चिल आउट बात है, इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब गर्मी लग रही है तो इसके उपाय क्या क्या है, इस पर बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है और आपको बेचैनी भी हो रही है, साथ ही स्वेटिंग भी हो रही है, घर में पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, अब क्या करें? देखिए, आपके शरीर में यानी कुछ ना कुछ कमी है, यानी आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है। अब इसे पूरा कैसे करें? देखिए ममीज, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चल रही हैं, यानी आपको पहला 3 महीना, इसमें आपको खूब पानी पीना है, यानी 8 से 10 ग्लास आप बांध लीजिए रोज का पानी पीना है। 8 से 10 ग्लास मतलब 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। प्लस आपको सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल खाने हैं। इस खट्टे फलों में ज़्यादा पानी होता है, इसलिए हमारी बॉडी कहीं ना कहीं पानी की पूर्ति भी करती है। थर्ड थिंग, आपको अपनी डाइट में थोड़ा बदलाव करना है। आपको वो सब्जियां खानी हैं जिसमें पानी ज़्यादा हो, जैसे घिया हो गया, लौकी हो गया, टिंडा हो गया, पालक, इनमें पानी ज़्यादा होता है, इसीलिए आपकी बॉडी में पानी की पूर्ति होगी, तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। ध्यान रखें कि आप कॉटन के कपड़े पहने और ढीले ढाले कपड़े पहने। साथ ही अपनी डाइट में आप दही ज़रूर इंक्लूड करना। दही, रू अफ़ज़ा का पानी, ये सब आपकी बॉडी को काफ़ी ठंडक पहुँचाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा राहत देगा। तो ममीज़, अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर गर्मी के सीज़न में है, तो आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हीट हो रही है, ज़्यादा आपको गर्मी लग रही है, दाने हो रहे हैं, रैशेज हो रहे हैं, तो आपको तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना है, अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर आपको गर्मी हल्की फुल्की है, यानी आपकी बॉडी ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन स्वेटिंग हो रही है, तो आप इस थोड़ा बहुत घरेलू उपचार, अपनी डाइट में बदलाव, प्लस पानी पीने की हैबिट को अच्छी तरह से फॉलो करने से आप इस गर्मी से बच सकते हैं। तो आप अपनी इन गर्मियों में प्रेगनेंसी इंजॉय करें हमारे बताए हुए टिप्स से, और NBT Life को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।